ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ वेलकम टू वानिक। नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इफ वानिक चैनल पे स्वागत करता हूँ। और कहते हैं तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर, चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर, दिल खोल कर साथ ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर, और कुछ बातें भगवान पे छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी चीजों का जब आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट जॉब का हो या लाइफ में अदर किसी भी दूसरी चीजों का हो, तो आप सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस रखें, रिजल्ट का टेंशन ना लें। क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो दैट मीन्स रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा, शायद आपकी उम्मीद से भी अच्छा। ठीक है, तो आज इसी खूबसूरत लाइनों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक जो है वो रेशियो है, और इस टॉपिक के अंदर जो है वो रेशियो के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इनकम एक्सपेंस और सेविंग के बेसिस पे आते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं रेशियो में जो कि कॉइन से रिलेटेड, सिक्कों से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो आज वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं इन सभी के बेस पे, और एक एक क्वेश्चन को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसा कि देख रहे हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा कहता है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3 का, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:5। दोनों का एक्सपेंस का रेशियो जो है वो 9:5 का है। कह रहा है इफ बोथ सेव्स रेस्पेक्टिवली ₹1300 एंड ₹900 देन फाइंड देयर इनकम। अब इन दोनों का हमें इनकम निकालना है। दो लोग हैं, ये दोनों जो है वो कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ खर्च कर रहे हैं और कुछ बचा भी रहे। जिंदगी में बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे वक्त में बची हुई जो भी आपकी अर्ज की राशि है वही आपको काम देगी। इसलिए कभी कभी भी जो स्टूडेंट हैं वो अपने लाइफ में, ये हम नहीं कह रहे कि स्टूडेंट भी अपने लाइफ में सेविंग करें, लेकिन जब आप लाइफ में कुछ पाल ले तो थोड़ा सा अपने लाइफ में जितना भी आपका इनकम हो उसका कुछ पार्ट आप सेव भी करें, यही मैथ्स भी सिखाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। दिया हुआ है ए और बी का इनकम का रेशियो है, ए और बी का इनकम का रेशियो क्या है हमारे पास 5:3 का। अब कहता है कि दोनों का एक्सपेंस का रेशियो, मतलब दोनों का खर्च का रेशियो, इन दोनों का खर्च का रेशियो जो दिया हुआ है वो क्या है 9:5, 9:5 का। लेकिन अब कहता है कि ये दोनों जो है वो सेव करते हैं, पहला इंसान जो है वो ₹1300 बचा रहा है और दूसरा इंसान जो है वो ₹900 बचाता है। सेविंग जो दिया हुआ है वो पहला इंसान जो है वो ₹1300 का सेविंग करता है और दूसरा इंसान जो है वो बी ₹900 का सेविंग करता है। तो हमसे दोनों का इनकम पूछ रहा है। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बस एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हम करेंगे क्या, इनकम और एक्सपेंस जो रेशियो दिया हुआ है रेशियो में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 9:3 तो 27 होगा, और 5:5 करेंगे तो 25 होगा। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। 9 × 3 = 27 और 25, दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो यहाँ लिख लेते रेशियो 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे एक बार और क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस करके। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 9 = 8100 हो जाएगा, और 13 × 5 = 6500 होगा। और यहाँ भी दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। 81 और 65 का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, 1600 होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेशियो 2 का वैल्यू ही क्या है, 1600 रुपीज है। तो हम यहाँ से रेशियो 1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि रेशियो 1 जो होगा वो कितना होगा। तो हम कह सकते हैं रेशियो 1 जो होगा वो 800 होगा। तो हमसे पूछा क्या है, ए और बी का इनकम। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ए का इनकम जो है वो रेशियो 5 था, तो आप कह सकते हैं कि अगर 1 का वैल्यू 800 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 8 × 5 कर लेंगे तो ये 4000 हो जाएगा। और अगर हम B का देख ले तो 800 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400। मतलब A का इनकम हमारा 4000 है और B का इनकम जो है वो ₹2400 है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे।
फिर से मैं समझा देता हूँ, करना क्या है, हमारे पास जो दो रेशियो है, रेशियो के बीच हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है। जैसे मैंने क्या किया, ये 27 और ये 25, डिफरेंस कितने का आया, 2 का। अगेन एक बार और क्रॉस करना है, 9 × 9 = 8100 और 13 × 5 = 6500। और यहाँ भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो दोनों का डिफरेंस से कंपेयर करते हैं, पहले वाले का डिफरेंस 2 आया और दूसरे वाले का डिफरेंस 1600, तो यहीं पे रेशियो 2 का वैल्यू 1600 हो गया, तो 1 का वैल्यू 800, जिससे दोनों का इनकम पता चल गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का सेविंग सेम भी हो सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि दोनों का सेविंग जो दिया हुआ था वो दोनों का सेविंग डिफरेंस था, लेकिन दोनों का सेविंग सेम भी हो सकता है। ऐसा होता है जनरली कि लाइफ में दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों का इनकम भी सेम है, खर्च भी सेम है, तो डेफिनेटली बचत भी सेम ही होगा। देखते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, आज का जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे है। कहता है द एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड राहुल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमित और राहुल का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का, वाइल देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3। अब यहां भी है, दोनों का एक्सपेंस का रेशियो है, अगर इनकम है तो खर्च भी होगा, वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इनकम सेव कर ले। कह रहा है इफ ईच सेव्स ₹8,000, दोनों जो है वो ₹1,000 बचाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों का सेविंग सेम है, ऐसा भी नहीं है कि अगर खर्च सेम रहेगा तभी सेविंग सेम होगा, हो सकता है इनकम ही क्या होगा, दोनों का अलग होगा, बचत दोनों का सेम है बट खर्च दोनों का सेम नहीं है। ऐसा कई बार होता है, दो लोग अलग अलग पैसा क्या करते हैं, अर्न करते हैं, बट खर्च भी अलग अलग करते हैं, लेकिन सेविंग दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है हमारा, करेंगे क्या, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ भी दिया हुआ जैसे अमित और राहुल, तो यहाँ लिख लेते हैं अमित और राहुल, दोनों का इनकम का रेशियो स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन है 3:2 का रेशियो है, और इन दोनों का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस का रेशियो क्या है हमारे पास 5:3 का। अब कहता है कि दोनों जो है वो ₹1,000 सेव करते हैं, तो सेविंग जो है वो दोनों का 1000 है, इसका भी 1000 है और इसका भी 1000 है। तो अब हम करेंगे क्या, अभी मैंने जस्ट बताया कि हम दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हम यहां कर ले तो 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10, तो हम यहां उसके बाद क्रॉस करने के बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 10 और 9, तो 10 और 9 का डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। एक बार अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम कर ले तो 5 × 1000 और 1000 × 3 कितना होगा 3000, और अगर डिफरेंस देख ले तो 5000 और 3000 का डिफरेंस कितने का आएगा 2000 का। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 1 का वैल्यू ही क्या होगा 2000 होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड एनुअल इनकम ऑफ अमित, हमें अमित का इनकम पूछ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अमित जो है वो रेशियो 3 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 1 का वैल्यू अगर 2000 आया है तो रेशियो 3 का वैल्यू कितना होगा ₹6,000, जिससे कि पता चल गया है कि अमित का जो इनकम है वो कितना होगा ₹6,000 होगा, और ₹6,000 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी तरीके से ऐसे डबल क्रॉस लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट वे में और विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में कहता है पी एंड क्यू, यहां भी दो लोग हैं, अर्न इन द रेशियो 2:1, दो आदमी हैं पी और क्यू, ये दोनों जो हैं वो 2 और 1 के रेशियो में अर्निंग करते हैं, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3। अब इन दोनों का जो है वो एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ 5:3 के रेशियो में ये अपना खर्च करते हैं, एंड सेव इन द रेशियो 4:1। यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है कि सेविंग भी जो दिया हुआ है वो रेशियो में ही है, अभी तक जो हम सवाल देख रहे थे सेविंग पैसे में बता रहा था, बट यहाँ क्या है रेशियो में। कहता है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ पी एंड क्यू टुगेदर इज ₹5,000। मतलब हमारे पास दोनों का कंबाइंड सेविंग दिया हुआ है कि दोनों मिला के ₹5,000 का सेव करते हैं, तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन के लिए, सेम प्रोसेस होगा, अप्लाई इसी तरीके से करेंगे। हमारे पास दो लोग हैं पी और क्यू, इन दोनों का इनकम का जो रेशियो गिवन है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है 2:1, 2:1 का है, और इन दोनों का एक्सपेंस का जो रेशियो है
वो एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है, खर्च का रेशियो 5:3 का, 5:3 का रेशियो है। बट हमारे पास जो है वो सेविंग का रेशियो है, लेकिन आप देख रहे थे कि ऐसे कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ पे दोनों का सेविंग का जो है वो रुपीज को रख रहा था, रेशियो को नहीं, तो यहाँ भी हम रुपीज को ही रखेंगे। लेकिन हमारे पास एक चीज और गिवन है कि सेविंग का जो है वो पी और क्यू का रेशियो गिवन है। सेविंग का रेशियो जो गिवन है वो क्या है, 4:1। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों का सेविंग जो है वो कितना है, 5000 है। तो हम कह सकते हैं रेशियो 5 का वैल्यू 5000 है। रेशियो 5 का वैल्यू 5000 है, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1000। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि Q का जो सेविंग है वो 1000 है और P का जो सेविंग है वो 4000 है। तो अब सेविंग आ गया हमारे पास दोनों का, तो हम क्या करते हैं सेविंग की जगह यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सेविंग पहले वाले P का कितना आया है, 4000, और Q का कितना आया है, 1000। अब हम क्या करेंगे, डबल टाइम जो क्रॉस अप्लाई करते थे वही अप्लाई कर देंगे। तो करेंगे क्या, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, और अगर इन दोनों का डिफरेंस देख ले तो 6 और 5 का डिफरेंस कितने का आएगा, रेशियो 1 का। और फिर अगेन हम क्रॉस अप्लाई करते हैं, तो 4 × 3 करेंगे तो 12000, और 5 × 1 करेंगे तो 5000। तो 12 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा, 7000 का। तो रेशियो 1 का वैल्यू जो है वो 7000 आ गया है। तो हमसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, हमसे दोनों का मंथली इनकम पूछ रहा था। इसका मतलब पी का भी बताना है और क्यू का भी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं क्यू का जो रेशियो 1 है, तो यही हमारा क्या होगा, क्यू का सैलरी होगा। क्यू का जो इनकम है वो 7000 है, बट पी का जो है वो रेशियो 2 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो 1 का वैल्यू अगर 7000 है तो 2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 14000 रुपीज होगा। और यही दोनों का इनकम है कि पी का जो इनकम है वो 14000 है और क्यू का जो इनकम है वो 7000 रुपीज है। तो इस तरीके के सवाल को इसी तरीके से बनाएंगे। कभी भी जब हमारे पास दो नंबर का गिवन हो रेशियो और दोनों नंबर में कुछ ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में भी इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर कहता है अ बॉक्स हैज रुपीज 180, एक बॉक्स में जो है 180 रुपए रखे हुए हैं। इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 1.50 एंड 25 पैसा, विच इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। मतलब एक बॉक्स है, उस बक्से में 180 रुपए है, टोटल 180 रुपए है, लेकिन उसमें जो पैसे हैं 180 रुपए वो किस टाइप के पैसे हैं, तो या तो वो एक रुपए का क्या है, सिक्का है, या तो वो 1 रुपए का सिक्का है, या तो वो 50 पैसे का क्वाइन होगा, या तो ये 25 पैसे का होगा। और कह रहा है इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 का। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्वाइंस ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, कितनी सिक्के होंगे उसमें 50 पैसे। किसी का भी पूछ सकता है, 25 पैसे वाले का भी संख्या पूछ सकता है, 1 रुपए वाले का भी पूछ सकता है, या फिर 50 पैसे वाले का भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और क्या तरीका होगा हमारा। हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप के सिक्के इसमें गिवन है, कॉइन्स है, 1 रुपीज और 50 पैसा और 25 पैसा। इसी तीनों टाइप का जो हमारे पास कॉइन्स है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 टाइप्स के कॉइन्स हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस बॉक्स में जो रुपीज है वो कितना गिवन है, 180 रुपीज है, 180 रुपए है इस 3 टाइप के कॉइन्स को मिला के। अब हमारे पास एक चीज और गिवन है, तीनों का रेशियो गिवन है हमारे पास, कि तीनों का जो रेशियो है ये किस रेशियो में दिया हुआ है, 2:3:4। इसका मतलब है कि 2:3:4 जो रेशियो दिया हुआ है ये किस चीज का रेशियो दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये जो रेशियो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है। कि 180 रुपए तो है बैग में, लेकिन 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज इन द रेशियो। इसका मतलब है कि ये तीनों टाइप के सिक्कों की संख्या का रेशियो है। तो आप कभी भी
संख्या से, नंबर से रुपीज का कंपेयर नहीं कर सकते। आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि इस बॉक्स में टोटल सिक्के, टोटल कॉइन्स कितने हैं, तब हम इस रेशियो से कंपेयर करते। या तो हम ऐसा करें कि जो हमारे पास कॉइन्स है हम इसे ही रुपीज में चेंज कर दें। जब अगर हम इसे ही रुपीज में चेंज कर देंगे तब हम ऐसा कर सकते हैं कि रुपीज का कंपेयर क्या कर लेंगे, रुपीज से कर लेंगे। रेशियो यही सिखाता है कि जिस चीज का रेशियो दिया हुआ है उसका कंपेरिजन उसी नंबर के साथ होगा। अगर रेशियो कॉइन्स का है तो हम रुपीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ कॉइन्स होना चाहिए। या फिर अगर यहाँ रुपीज है तो हमारे पास रेशियो किसका होना चाहिए, रुपीज का। तो इस रेशियो को हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा आसान केस है। ठीक है, कि अगर आप एक चीज सोचो कि अगर एक रुपए का दो सिक्का होगा तो कितने रुपए बनेंगे, तो आप कह सकते हैं कितने रुपए बनेंगे, दो रुपए ही बनेंगे। और अगर 50 पैसे का तीन कॉइन्स हो हमारे पास तो कितना रुपए बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि 1.5 रुपीज होगा। और अगर हम तीसरा देख लें कि 25 पैसे का अगर चार कॉइन हमारे पास हो तो कितना रुपए बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि 25 का अगर चार कॉइन हो तो ये 1 रुपए बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास रेशियो आया है, ये रेशियो को हम और भी क्या कर सकते हैं, इसे रेशियो, क्योंकि रेशियो कभी भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होता, बट हम यहीं से यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसे परफेक्ट रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अब हम देख रहे हैं कि रुपीज में हमारे पास जो रेशियो आया है अगर हम सभी को ऐड कर ले तो कितना होगा, 2 और 1 3 3 और 1.5 कितना आ जाएगा, 4.5। तो हम कह सकते हैं कि इसी 4.5 रुपीज का वैल्यू जो है वो कितना गिवन है, 180 है। तो अगर हम 1 का वैल्यू निकालें तो 4.5 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 4.5 से 18 जो है वो 4 टाइम में कैंसिल होगा, मतलब 180 था, तो रेशियो 1 का जो वैल्यू है वो 40 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉइंस ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो आपको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का रेशियो देखना है, रेशियो कितना गिवन है हमारे पास, 3। तो अगर रेशियो 1 का वैल्यू 40 है तो आप कह सकते हैं कि रेशियो 3 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 120। और 120 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपसे ये पूछता कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो हम क्या कर लेते, 40 × 2 कर लेते तो 80 आ जाता। अगर 25 पैसे वालों की संख्या पूछता तो 40 × 4 कर लेते, 160 कॉइन्स होता 25 पैसे वाला। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि जब हमारे पास नंबर गिवन रहता है तो यहाँ पे हमारा जो पैसा है वो रुपीज में दिया हुआ रहता है, उससे हम करते क्या है कि नंबर से हम रेशियो को कन्वर्ट कर देते हैं रुपीज में, देन उसके बाद रुपीज का कंपेयर रुपीज से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। Question number 5 कहता है, question number 5 में अ बैग हैज रुपीज 16। यहाँ भी वही कह रहा है कि एक बैग में 16 रुपए हैं, एक बैग में 16 रुपए इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 1, 50 पैसा एंड 10 पैसा। इसका मतलब इस बार बैग में 16 रुपए ही हैं और उसमें 3 टाइप के सिक्के हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 10 पैसे का। अब 50 पैसा और 10 पैसा का तो जमाना भी नहीं रहा, ये सारे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सब तो अब इनफैक्ट पूरे इंडिया में मुझे लग रहा है कि 50 पैसा और 10 पैसा का कहीं यूज है नहीं, क्योंकि सिक्के से अब तो कई जगह आप लोग भी जानते होंगे कि एक सिक्का भी बहुत छोटा सा है, उस सिक्के को भी मैं बहुत सारे स्टेट में देखता हूँ, किसी स्टेट में वो सिक्का चलता है, किसी स्टेट में नहीं भी चलता है। क्या पता कुछ दिन के बाद ऐसा हो कि सिक्का चले ही ना, सिर्फ नोट की ही बारी हो, देखते हैं, वो तो चलते वक्त के साथ बदलती रहेंगी चीजें, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन सेम वही है जो क्वेश्चन अभी हम question number 4 देख रहे थे, कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि बैग में 16 रुपए, लेकिन इस बार जो सिक्के हैं वो किस टाइप के सिक्के हैं, तो सिक्के जो है हमारे पास 1 रुपए और 50 पैसा और 10 पैसा का है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का, इन तीनों का नंबर का रेशियो गिवन है हमारे पास, फिर वही कह रहा है इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5, इसका मतलब इन तीनों का नंबर गिवन है 2, 3 और 5 का रेशियो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रुपीज कन्वर्ट कर सकते हैं कि रुपीज कितना बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 रुपए का 2 सिक्का हो तो कितना होगा,
तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपए होगा। अगर 50 पैसे का 3 सिक्कर है, 50 पैसे का 3 कॉइन्स हो, तो ये कितना बनेगा, 1.5। और अगर 10 पैसे का, 10 पैसे का अगर 5 सिक्का हो, 5 कॉइन्स हो, तो ये कितना बनेगा, 0.5 रुपीज। अब हम ये देख रहे हैं कि बैग में हमारे पास टोटल रुपीज जो है वो कितना गिवन है, 16। तो हम यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ऐड कर ले 2 और 1.5, मतलब 2 और 1.5 3 और 0.5, सारा मिला के कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 4 का वैल्यू ही, ये टोटल रुपीज है, टोटल रुपीज हमारे पास कितना है, 16। दैट मीन्स 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द 50 पैसे। यहाँ भी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना गिवन है हमारे पास, 3 गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि इस रेशियो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो रेशियो 3 का वैल्यू 12 हो जाएगा, 12 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि हमारे पास पैसा जो टोटल हो वो रुपीज में हो और जो नंबर दिया हुआ है, जो रेशियो हो वो नंबर में है, तो वहां से हम क्या करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद रुपीज का कंपेयर रुपीज से करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद जिस जो भी इसमें पूछेगा, जिस टाइप के सिक्कों की संख्या पूछे, हम वो रेशियो 1 का वैल्यू फाइंड करने के बाद फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, अ बैग कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। यहाँ भी एक बैग है, लेकिन इस बैग में जो है वो 280 कॉइन्स है। इस बार क्या बता रहा है, इस बार बता रहा है कि हमारे पास जो बैग है, उस बैग में अगर ये बैग है तो इसमें जो है वो 280 रुपीज नहीं, इस बार जो दिया हुआ है वो 280 कॉइन्स है। सिक्कों की संख्या बता रहा है कि इस बैग में 280 सिक्के हैं। और ये किस टाइप के हैं, तो यहाँ भी कह रहा है ये 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा के फॉर्म में है। फिर कह रहा है द वैल्यूज ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। मतलब तीनों टाइप के सिक्कों का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 8:4:3 है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब प्राइस होता है, किसी भी चीज को आप जानते हैं तो नहीं कहते कि ये कितना वैल्यूबल है, कितना कीमती है, कितना कॉस्टली है। तो उसी से हमें ये समझ में आ रहा है कि इस बार जो ये वैल्यू का रेशियो बता रहा है, दैट मीन्स ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है, रुपीज का रेशियो है। रुपीज का रेशियो किसका, 1 रुपीज, 50 पैसा और क्या बता रहा है, 25 पैसा। तीन टाइप के जो कॉइन्स हैं इसमें, ठीक है, इन तीनों का रुपीज का रेशियो हमारे पास गिवन है, रुपीज का रेशियो 8:4:3। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि रुपीज का रेशियो गिवन है। तो अब आप एक चीज देखें, जब यहां पे हमारे पास रुपीज दिया हुआ था तब ये नंबर का रेशियो था, बट ये इस बार क्वाइन कर दिया तो रेशियो किसका कर दिया है, रुपीज का। मतलब चीजें पिछले क्वेश्चन का ये इनवर्स, हम कह सकते हैं उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में इस बार लाया। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, आप देख रहे थे कि जब हमारे पास ये रुपीज था तो मैंने रेशियो रुपीज का बना दिया, इस बार 280 जो हमारे पास टोटल नंबर है वो कॉइन्स है, सिक्कों की संख्या है, तो हमें रेशियो किसका जरूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का। तो हम नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, बड़ा इजी है निकालना और जिंदगी में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, बस आपका किसी भी काम करने का लगन और परिश्रम जो कहते हैं ना वो बड़ा शानदार होना चाहिए, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो क्या होगा, आप एक चीज देखो, अगर हम कहते हैं 8 रुपए में 1 रुपए का सारा कॉइन्स है तो उसमें कितने कॉइन बनेंगे, अगर आपके पास 8 रुपए हैं और वो सभी के सभी 1 रुपए के कॉइन्स है तो वो कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 8 होगा। अगर आपके पास 4 रुपए है और वो 50 पैसे के सारे कॉइन्स है तो आप ये जानते हैं कि 1 रुपए में 2 50 पैसा का कॉइन्स होगा, तो 4 रुपए में कितना होगा, तो ये भी होगा कि 4 रुपीज में कितना आएगा, 8। अब हम ये देख सकते हैं कि 3 रुपीज में 25 पैसे का कॉइन्स कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 रुपीज में 4 कॉइन्स होते हैं 25 पैसा का, तो आप 3 रुपीज में कितना देख सकते हैं, तो 3 रुपीज में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमारे पास जो रेशियो आ गया है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का आ गया है, तो हम ये देख रहे हैं कि सारा नंबर ऑफ कॉइन्स रेशियो मिला के कितना है, 12 और 8, 20 और 8 28। तो हम कह सकते हैं इस रेशियो 28 का वैल्यू
नंबर ऑफ पॉइंट्स टोटल कितना है 280, तो 280 होगा तो यहाँ से रेशियो 1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रेशियो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू 10 होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स। इस बार क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या है हमारे पास, 8 है। तो हम कह सकते हैं कि रेशियो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 10 80, और 80 ही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो बस आपको ऐसे सवाल में दो चीजें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो टोटल नंबर है वो कॉइन्स में है या फिर रुपीज में है। अगर रुपीज में है तो हमें रेशियो भी रुपीज में चाहिए होता है, और अगर ये टोटल क्वाइंस है तो हमें रेशियो भी क्वाइंस का चाहिए। और रुपीज से आप क्वाइंस कैसे बदलेंगे और क्वाइंस से रुपीज कैसे बदलेंगे, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इस टाइप के सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली SSC बैंकिंग रेलवे के लिए, क्योंकि हमेशा इस टाइप के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सारे सारे के सारे सवाल बना के आना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दिया हुआ है अ डायमंड ब्रोक इंटू 3 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट्स इज 2, 3, 4। एक डायमंड है, एक हीरा है जो टूट गया, ठीक है, एक हीरा है जो टूट गया और वो 3 पार्ट्स में टूटा। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट, टूटने के बाद जो है ये 2, 3, 4 के रेशियो में टूट जाता है। दिया हुआ है कि एक हमारे पास डायमंड है, वैसे तो है नहीं भी मेरे पास, ठीक है, आगे लाइफ में होगी कभी। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक डायमंड है जो 3 पार्ट में टूट गया है और इसका रेशियो क्या गिवन है, 2, 3, 4 का, ठीक है। और ये किस चीज का रेशियो है, वेट का रेशियो। आप कह सकते हैं कि पहला पार्ट अगर वेट है तो हम समझ लेते हैं, पहला पार्ट 2 ग्राम है, दूसरा पार्ट जो है वो 3 ग्राम है, और तीसरा पार्ट जो है 4 ग्राम का है। इसके बाद कहता है द प्राइस ऑफ डायमंड, डायमंड का जो प्राइस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर वेट। मतलब डायमंड का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है, इसका जो वेट है इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वेट का स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम वेट के स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो डायमंड का प्राइस बढ़ेगा, और अगर इसके वजन के स्क्वायर को अगर हम घटाएंगे तो हमारा डायमंड का प्राइस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब यहां पे कहता है If the loss of ₹52,000 occurred due to breaking of diamond, अगर डायमंड टूटा तो टूटने के कारण जो है वो ₹52,000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। अगर ये डायमंड टूटा है तो टूटने से ₹52,000 का नुकसान हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है what was the starting price of diamond, कि हमारा उस डायमंड का स्टार्टिंग प्राइस कितना था, ये बताना है। तो आप एक बात बताओ, हमें इतना पता है कि एक डायमंड था जो 3 पार्ट में टूट गया, ये 2 ग्राम का, ये 3 ग्राम का, ये 4 ग्राम का, चाहे वो टूट जाए या चाहे वो साथ में रहे, लेकिन उसका वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल डायमंड था वो कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे ये 9 ग्राम का रहा होगा। अगर ये सारा मिलके 9 है तो ओरिजिनल डायमंड भी कितने ग्राम का होगा, 9 ग्राम का ही होगा, क्योंकि ये तीनों मिला के 9 पार्ट 9 आ रहा है, तो ये भी कितना होगा, 9 होगा। मतलब यही 9 ग्राम का जो डायमंड है वो 3 पार्ट में क्या हो गया, टूट गया, लेकिन टूटने के कारण इसका प्राइस घट गया। अब प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो प्राइस जो है वो डायमंड का वेट का स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका वेट अगर 9 ग्राम है तो इसका जो है वो स्क्वायर कर लेते, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × 9 81। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको ये समझ में आ गया कि ओरिजिनल वाले डायमंड को हम समझ लेते हैं कि 81 प्राइस का था, तो जो हमारा ये थर्ड पार्ट है ये कितना प्राइस का रहा होगा, तो आप कहते हैं इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सेकेंड वाले पार्ट का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले पार्ट का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। मतलब आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल डायमंड का प्राइस अगर 81 है तो ये तीनों डायमंड का जो प्राइस है वो इस रेशियो में है। आप चारों को एक साथ रेशियो में काउंट अप कर सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डायमंड का रेशियो का प्राइस जो अगर 81 है
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइस जो है वो 4, 9 और 16 है। तो आप ये देख सकते हैं कि टूटने के बाद तीनों मिलके कितना बन रहा है, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, 16 और 9 25, 25 और 4 ये कितना हो जाएगा 29। और ओरिजिनल में हमारे पास कितने का था, 81 का था। अब आप एक चीज सोचे कि ओरिजिनल में हमारे पास 81 का था लेकिन टूटने के बाद हमें ये सिर्फ 29 ही मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हमें नुकसान कितने का हुआ है। तो आप यहां से माइनस कर ले, 11 माइनस 9 करेंगे 2 होगा, 6, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 होगा। इसका मतलब हमें जो है वो नुकसान कितने का हुआ, 52 का। और यहाँ जो कह रहा है कि टूटने के बाद नुकसान कितने का हुआ था, 52,000 का। तो हम रेशियो का कंपेयर कर लेते हैं नंबर से, तो 52 का वैल्यू ही क्या होगा, 52,000। तो आप कह सकते हैं कि रेशियो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1,000। हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस 81 आ रहा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेशियो 81 का वैल्यू क्या होगा, 81,000 रुपीज। और 81,000 रुपीज ही इस ओरिजिनल डायमंड का प्राइस होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके वेट का स्क्वायर का। अगर इसका वेट का स्क्वायर जितना बढ़ेगा डायमंड का प्राइस उतना बढ़ेगा, अगर वेट का स्क्वायर घटेगा तो डायमंड का प्राइस घटेगा। इसी तरीके से ऐसे सवाल को करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। बहुत ही मजेदार सेशन होगा आप लोगों का, हम हर एक दिन आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे कुछ नए बेहतर कंटेंट के साथ। सो गाइज, इस वीडियो को सभी लोग वॉच करें, अच्छे से देखें, और सभी एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ें और बहुत मेहनत के साथ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।